नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो हमारा वस्त्र सामग्री का इतिहास है कि अतीत में या फिर आप कह सकते हो कि जब हमारे पूर्वज थे उनके समय में जो वस्त्र की सामग्री थी वो किस तरह से थी। अब इस समय में तो आधुनिक समय चल रहा है, इसमें तो हम मशीनों से बनी हुई वस्तुओं को या फिर मशीनों से बने हुए वस्त्रों को हम पहन रहे हैं। तो क्या आपने सोचा होगा कि इस समय तो हम तो मान लीजिए कि मशीनों से बनी हुई चीज़ों को तो पहन ले रहे हैं, जो हमारे पूर्वज हुआ करते थे वो किस तरह के कपड़े पहनते थे और उन कपड़ों के लिए आवश्यक सामग्री क्या थी। इस समय तो हमारे पास क्या है, ऊन है, फिर इसके बाद रुई है, कपास है, जूट है, क्या क्या है, रुई है, कपास है, ठीक है, जूट है, ठीक, और क्या है, पटसन है, ठीक है, नायलॉन है, ठीक, पॉलिस्टर है। तो हमारे पास आधुनिक समय में तो ये सारी चीज़ें उपलब्ध हैं जिससे हम वस्त्र सामग्री उपलब्ध हैं, तो इससे हम वस्त्र का निर्माण तो कर सकते हैं आराम से। तो क्या आपने कभी ये सोचा कि जो हमारे पूर्वज थे वो किस प्रकार के कपड़े पहनते थे। तो आइए जानते हैं हम जो हमारे पूर्वज हुआ करते थे वो किस प्रकार के वस्त्र सामग्री के कपड़े पहनते थे। सपोज कीजिए कि आप 1000-1500 साल पीछे चले गए हैं। मान लीजिए कि आप अभी कितना चल रहा है, अभी 2020 चल रहा है, ठीक है। सपोज कीजिए कि आज से 20 साल पहले, सपोज कीजिए, वैसे तो 20 साल पहले मशीनें आ चुकी थी, सपोज कीजिए कि आप 20 साल पहले एक जंगल में हो, ठीक है, और आपके पास कपड़े पहनने के लिए कुछ भी नहीं है, ठीक, और उस समय कपड़ा बनाने के लिए आपके पास ना ही कोई तकनीक है ना ही कोई टेक्नोलॉजी है, तो आप उस समय क्या करेंगे। तो आप उस समय वृक्षों की जो छाल होती है या फिर वृक्षों की जो ऊपरी सतह होती है, या तो आप उसके कपड़े बनाएंगे या फिर केले के पत्ते, आज के केले के पत्ते बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो पहले के समय तो इससे भी बड़े बड़े हुआ करे होंगे, ठीक है, वो पत्तियों का उपयोग करेंगे, और जो जंतु मर जाते हैं या फिर जंतुओं को मार करके उनकी जो खाल होती है उसका उपयोग करेंगे अपने शरीर को ढकने के लिए। तो पहले के समय में जो कृषि का समुदाय हुआ करता था, जो कृषि के समुदाय हुआ करते थे, जब वो बसना या फिर अपनी जीविका निर्वाह करना शुरू किया, तो उन्होंने एक ये सोचा कि हमारे पास तो कोई तकनीक है नहीं कि हम कपड़े क्या पहने, तो वह क्या करते थे कि धीरे धीरे उन्होंने पतली टहनियाँ और जो घास होते हैं उन्हें बुनना शुरू किया, और उनसे उन्होंने कपड़ा, चटाई, टोकरी, ठीक है, आज इन सभी चीज़ों को बनाने के लिए कुछ सोचा। तो आज हम जानते हैं कि जो मनुष्य है वो इस संसार में रहने वाले सभी जो जीव हैं उसमें सबसे उच्च श्रेणी में आता है, क्योंकि उसके पास क्या है, दिमाग है, ठीक है, मस्तिष्क है। तो उन्होंने इन सब चीज़ों को सीखना जो है शुरू कर दिया। तो बाद में जब धीरे धीरे इनका विकास हुआ तो इन्होंने जंतुओं से उनको निकालना शुरू कर दिया और उसे ऐंठ करके तागा बनाना शुरू कर दिया। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ चुके हैं कि जो तागा होता है उससे तो हम किस प्रकार से आसानी से कपड़े बना सकते हैं, उसके लिए हमें किसी भी मशीने या फिर आधुनिक टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं होती है। तो उस समय के जो भारत के लोग थे वो रुई से बने कपड़े पहनते थे, या फिर आप कह सकते हो कि वृक्षों के छाल जो थे, ठीक, उससे बने हुए कपड़े पहनते थे। तो ये जो वृक्षों के छाल या फिर जो रुई हुआ करती थी ये गंगा नदी के किनारे जो है इन क्षेत्रों में उगाई जाती थी, क्योंकि जैसे सपोज कीजिए कि आपके पास जूट है, तो जूट हमने देखा था कि उसमें किस प्रकार से हम, तो सबसे पहले किस प्रकार से हम उससे तागे का निर्माण करते हैं और तागे से हम वस्त्र का निर्माण करते हैं, तो सब उसके लिए हमें पानी की बहुत ही अत्यधिक आवश्यकता थी, इसीलिए हम इन सभी चीज़ों को, पानी जहाँ पर अधिक मात्रा में उपलब्ध होगा वहीं पर इनकी खेती
की जाएगी, जिससे हम क्या करेंगे, प्राकृतिक तंतु प्राप्त करेंगे। ठीक है, जो प्राचीन मिस्र की सभ्यताएं थी, प्राचीन काल में जो मिस्र की सभ्यता थी, उसमें जो हमारा वस्त्र था वो किस तरह से बनता था। तो मिस्र की जो सभ्यता थी, इसे आप क्लास सिक्स के हिस्ट्री में पढ़ोगे कि मिस्र सभ्यता क्या है। तो इसमें क्या था कि वो लोग जो थे मिस्र के लोग, वो नील नदी के किनारे जो है अपने कार्यों को करते थे। ठीक है, जैसे कि भारत में लोग क्या करते हैं, गंगा नदी के किनारे अपने चीज़ों को बनाते हैं। तो सपोज कीजिए कि यहाँ पे ये हमारी नील नदी है, ठीक, तो इसमें ये पानी भरा हुआ है और मिस्र के लोग सपोज कीजिए कि यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेंगे कि इस नदी के आरी बगल क्या करेंगे, ये पौधों को उगाएंगे, जिससे कि वे क्या कर सके, अपने वस्त्रों का निर्माण कर सके। तो इसके लिए हमें पानी की आवश्यकता होगी और ये इसी नदी से क्या करेंगे, पौधों के लिए जो पानी की आवश्यकता होगी उसकी पूर्ति कर लेंगे। तो जो उस समय आज के समय जो सिलाई की सुई है और फिर उसके बाद सिलाई मशीनें हैं, इस तरह के कुछ भी चीज़ें उस समय उपलब्ध जो है नहीं होती। तो इसमें क्या करते थे कि जो उस समय के कपड़े थे और इस समय के कपड़े हैं, उनमें बहुत ही ज़्यादा अंतर होता है। अब भी हमारे भारत में अगर आप जो है असम में देखिए, तो इनमें अब भी बांस के बने हुए कपड़े पहनते हैं लोग, बांस के बने हुए कपड़े। ठीक है, जो कपड़े जो है बांस की छालों से मिल करके बना हुआ होता है, बांस की टहनियों से मिल करके बना होता है, उनका प्रयोग करते हैं। लेकिन जो मिस्र की सभ्यताएं थी या फिर जो मिस्र के समय जो वस्त्रों का निर्माण हुआ करता था, और आधुनिक समय के जो निर्माण जो हैं वस्त्र, वो बहुत ही अत्यधिक भिन्न है, क्योंकि उस समय तो उनके लिए कोई तकनीक, हमारे पास एक से एक तकनीक टेक्नोलॉजी अभी है कि हम कोई भी चीज़ बना सकते हैं। तो ये जो हमारा वस्त्र है, ये ठीक उसी प्रकार से अलग है जिस प्रकार से, या फिर आप कह सकते हो कि जो हमारा वस्त्र सामग्री का इतिहास है, ये उसी तरह से अलग है जिस तरह से हमने पाठ एक में, इस विज्ञान चैप्टर के पाठ एक में जो हमारा भोजन का इतिहास था, ठीक उसी प्रकार से है जिस तरह से हम देखे थे कि हमारे भारत में बहुत सारे राज्य हैं, तो हर राज्य में अलग अलग जो है भोजन किए जाते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से जो हमारा वस्त्र है, ये आधुनिक समय में कुछ है, फिर उसके बाद 10 साल पहले कुछ और था, उसके 20 साल पहले कुछ और था, 30 साल पहले कुछ और था, इस तरह से जो हमारे पूर्वज थे तो उस समय भी कुछ और था। उस समय लोग चमड़े के खाल ओढ़ते थे, लेकिन आज के समय आपने कहीं देखा है कि कोई व्यक्ति जो है वो चमड़े की खाल जो है ओढ़ करके बैठा है? नहीं, क्योंकि उस समय उनके पास कोई तकनीक नहीं, लेकिन आज इस समय हमारे पास बहुत सारी तकनीक है। तो इस तरह से जो वस्त्र सामग्री का इतिहास है वो इतना अधिक बदल गया है कि आधुनिक वस्त्र सामग्री के इतिहास से बिल्कुल भी नहीं मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये जो वीडियो होता है ये समाप्त होता है। तो अगले वीडियो में हम इस पाठ के क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे मैं जो भी वीडियो बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और आप उसे सबसे पहले देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।